अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप दैट एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ यू गाइस कैन मेक मनी जस्ट बाय यूजिंग अ लो इफेक्टिव टूल एंड अमेज़ॉन KDP। जी गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अमेज़ॉन KDP के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने कभी भी पहले अपने चैनल पर अमेज़ॉन KDP के बारे में बात नहीं की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मुझे नज़र आया कि बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने सोचा वाई नॉट, डेफिनेटली आई शुड गिव इट अ शॉट एंड आप लोग को मैं बताऊँ कि अमेज़ॉन KDP का कितना पोटेंशियल है और आप लोग किस तरह से एक लो इफ़ेक्टिव टूल यूज़ करके आराम से अपनी एक ई बुक बना सकते हैं जो मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स आपके लिए जनरेट कर सकती है। अगर आप मेरे सामने देखें स्क्रीन पे, आप लोगों को कितनी टाइप की बुक्स मिलेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर एंड इंटरनेट के रिलेटेड बुक्स हैं, कुकिंग बुक्स हैं, ऐसे ही आप लोगों के पास एक बुक्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लो कॉन्टेंट बुक्स। बेसिकली गाइस, जैसे जर्नल्स होते हैं, लॉग बुक्स होती हैं, डायरीज होती हैं, या सिंपल कोई बिलिंग बुक होती है, उसे हम कहते हैं लो कॉन्टेंट बुक। जो लो कॉन्टेंट बुक होती है गाइस, वो अमेज़ॉन पर बहुत ही ज़्यादा सेल होती है। और आप लोगों ने ये लो कंटेंट बुक कैसे लिखनी है, लो कंटेंट बुक जब आप लिखते हैं तो उसके अंदर आप बिल्कुल कुछ राइट नहीं करते, उसमें डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, डिफरेंट जर्नल्स होते हैं, कलरिंग बुक होगी, इस तरह की जो बुक्स होती हैं उसे हम लो कंटेंट बुक कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अमेज़ॉन पे बहुत किस्म की लो कंटेंट बुक बिकती हैं, जैसे कि मेरे सामने एक लो कंटेंट बुक है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये बुक बिल्कुल कैसी, आप लोग देख सकते हैं। एंड दिस इज़ द टाइप ऑफ बुक दैट इट्स बीइंग प्रिंटेड एंड बाई सेंट टू अमेज़ॉन। बट आई एम गोना टेल यू गाइज एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल जो आप लोग यूज़ करके इस तरह की बुक का आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, और उस टूल का नाम है Bolt.io। बुक बोल्ट बेसिकली गाइज एक ऐसा टूल है जो आपको हेल्प करता है आपकी बुक्स डिज़ाइन करने में, और आप लोग को लो कॉन्टेंट बुक्स लिखने में आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज बुक बोल्ट के अंदर ये सब चीज़ें दी होती हैं ऑलरेडी। द थिंग इज़ दैट गाइज़ के आप लोगों को इसके अंदर A to Z चीज़ें मिल जाती हैं, फ्रॉम प्रोडक्ट रिसर्च के किस तरह से आप लोगों ने कीवर्ड डालने हैं अमेज़ॉन KDP के अंदर, ताकि आपकी जो अमेज़ॉन के ऊपर जो आप बुक डाल रहे हैं वो ऑलरेडी सेल होना स्टार्ट हो जाए। आप लोगों को मैं इस टूल का रिव्यू दूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ये टूल यूज़ करके पर्सनली किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और यू कैन जनरेट सम पैसिव इनकम यूजिंग Bolt.io। Amazon KDP का मतलब क्या है? Amazon KDP का मतलब है Kindle Direct Publishing, which means that कि Amazon आप लोगों के लिए प्रिंटिंग करता है, हर चीज़ आप लोगों के लिए करता है। आप लोगों को बस ई बुक लगानी होती है, चाहे आप ई बुक बना रहे हैं या अपनी आप लो कंटेंट बुक बना रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू गाइस। ई बुक बनाते हैं तो उस पर आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन तो इस वीडियो में हम लो कंटेंट की बात करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग बुक बोल्ट आईओ यूज़ करके आप लोग एक प्रॉपर बहुत अच्छी एक ऐसी लो कंटेंट बुक बना सकते हैं जो डेफिनेटली गाइस आपको कुछ ना कुछ पैसे कमा के दे अर्निंग, ठीक है। तो ये बुक बोल्ड आयो है, इसके अंदर मैं जल्दी जल्दी लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लॉगिन पे जाता हूँ, लॉगिन पे जाके इसके अंदर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब देखें, जैसे ही मैं लॉगिन इसके अंदर करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ आ जाती हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसिकली ये बुक बोल्ड नहीं यूज़ करना आएगा, लेकिन गाइस बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रिसर्च से, यानी प्रोडक्ट रिसर्च से मतलब है वो प्रोडक्ट यानी के ई बुक्स होगी, लो कंटेंट बुक्स होगी, आप लोग यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्री कोर्सेज हैं, फ्री ट्यूटोरियल यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग प्रोडक्ट सर्च के हिसाब से सदर सर्च हर किस्म के ट्यूटोरियल यहाँ पे आप वॉच कर सकते हैं। आप लोगों को फ्रॉम A to Z हर चीज़ यहाँ पे सिखाई जाएगी, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी मेंबरशिप तो डेफिनेटली ज्वाइन करें, बिकॉज ये टूल आपको हेल्प करता है कि आप लोग किस तरह से प्रॉपरली अपनी लिस्टिंग करेंगे अमेज़ॉन KDP पे। अगर आप सिंपल तरीके से जाएंगे आपको कीवर्ड का पता नहीं चलेगा और ना ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप लोगों ने अमेज़ॉन KDP पे लिस्टिंग करनी है और कौन सी बुक लिस्टिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ पे क्लाउड के ऑप्शन में जाता हूँ। सबसे पहला, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो मैं क्लाउड के ऑप्शन में जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास रिसर्च बाय बेस्ट सेलर लिखा हुआ है और कैटेगरीज लिखी हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लो कंटेंट बुक्स के अंदर ये कैटेगरीज आ जाती हैं, लॉग बुक होगी, स्केच बुक होगी, कॉमिक बुक होगी, ये सब बुक्स आ जाती हैं। तो हम सिंपल रहते हैं नोटबुक की तरफ, हम नहीं चाहते कि हम इतना ज़्यादा दिमाग अपना खपाएं एंड द रिटर्न इज़ नथिंग। तो हम चाहते हैं कि नोटबुक यहाँ से सिलेक्ट करें, उसके बाद हम लोगों ने BSR वगैरह को नहीं छेड़ना, सिंपल यही सेटिंग रखनी है एंड वी हैव टू क्लिक सर्च। तो जैसे ही हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो बुक बोल्ट हमें पूरा रिजल्ट डाटा शो कर देगा और कौन कौन सा जो लो कॉन्टेंट बुक्स हैं वो सेल हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लो कॉन्टेंट जो बुक है ये बेसिकली मदर डेज के ऊपर है, आप कह लें कि इसके ऊपर जो सेल है तो 622 इसके पीसेस सेल होते हैं मंथली और इसकी जो प्राइस है ये है 5.99 डॉलर। और आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने सिंपल बुक बोल्ट यूज़ करके अपनी कवर बनाना है बुक का, अपनी बुक को डिज़ाइन करना है और सिंपली लिस्ट कर देना है। अमेज़ॉन उसकी प्रिंटिंग का सब चीज़ अमेज़ॉन उसका ख्याल रखेगा, ठीक है।
आप लोगों ने बस अपनी प्रॉपर रिसर्च करके यहाँ से बुक बोल्ड से आप लोगों ने फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप लोगों ने आइडिया फाइंड करना है, क्लाउड पे आना है, यहाँ पे जाना है, कैटेगरीज अपनी चूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल अभी हम प्लानर पे जाते हैं, प्लानर चूज़ करते हैं और सर्च कर देते हैं यहाँ से। जैसे हम सर्च करेंगे तो हमें ये बता देगा टूल के कौन कौन से प्लानर कैटेगरी के अंदर बेस्ट जो लो कंटेंट बुक्स हैं वो सेल हो रही हैं। जैसे ही आपको पता चलता है जो लो कंटेंट बुक्स सेल हो रही हैं, ठीक है, तो आप इजीली उनको रेप्लिकेट कर सकते हैं। रेप्लिकेट ना भी करें, आप उनसे एक आइडिया लेके अपनी एक आप लोग लो कंटेंट बुक लॉन्च कर सकते हैं, विच गन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। फॉर एग्जांपल ये लो कंटेंट बुक है जिसके अंदर डायबिटिक एयर फ्रायर कुक बुक लिखा है, एंड ये इसकी जो कैटेगरी है वो प्लानर है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करके आप लोग को दिखाऊं, आप लोग को पूरा पता चल जाएगा कि इसके रिव्यूज़ कितने हैं, आप लोग को हर एक चीज़ पता चल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये बुक है बेसिकली, और ये जो बुक है ये किसी बंदे ने डिज़ाइन किया, एंड इट्स बेसिकली लो कंटेंट बुक। और जो बुक बोल्ट है, हर बंदा बुक बोल्ट यूज़ करता है। द थिंग इज दैट बुक बोल्ट आपको ऑफर करता है कि आप यहाँ पर ही पूरी अपनी बुक वगैरह डिज़ाइन करें, आप लोगों को कहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप लो कंटेंट बुक्स के अंदर वैसे भी कुछ हमें लिखना नहीं होता, सिंपल हम डिज़ाइन करते हैं और उसे हम अमेजोन पे लिस्ट कर देते हैं, दैट सेट अमेजोन KDP पे लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक बुक चूज़ कर लेते हैं कि हम हमारे पास एक आइडिया आता है कि हम एक प्लानर के अंदर एक बुक लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये डायबिटिक एयर फ्रायर है, तो हम भी इसके रिलेटेड कुछ लॉन्च करेंगे, जैसे कि $1.99 का है, ठीक है, एंड इट्स सेलिंग 420 मंथली सेल्स इसके, विच मीन्स दैट दिस गाय इज़ मेकिंग अराउंड $600-$500, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपकी प्राइसिंग भी बड़ी मैटर करती है, लेकिन जब आप बुक बोल्ट यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्राइसिंग की भी टेंशन नहीं है, बिकॉज यही आपको फ्रॉम A to Z बताएंगे कि कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है, कितनी प्राइस आप लोगों ने एक लो कंटेंट ई बुक की रखनी है। तो फॉर एग्जांपल हम इसी बुक की मिसाल ले लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमने एक प्लानर लॉन्च करना है रिलेटेड टू डायबिटिक एयर फ्रायर, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने ये लॉन्च करना है तो सिंपल हम लोग ये टूल यूज़ करेंगे बुक बोल्ट। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, हम कीवर्ड्स के ऑप्शन पे जाएंगे। अब कीवर्ड्स पे ऑप्शन पे जाने का क्या मतलब है, बेसिकली हम वो कीवर्ड सर्च करेंगे यहाँ पे जाके जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि अपना कुछ आइडिया लॉन्च करें इसी बुक के रिलेटेड, या कोई भी बुक अगर हम लॉन्च करना चाहते हैं लो कंटेंट बुक, तो हम इजीली यहाँ पे आएंगे और उसके कीवर्ड सर्च करेंगे, देखेंगे कि अमेजोन पे कौन सा बंदा कौन से कीवर्ड को सर्च कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये SEO की तरह ही काम करता है। फॉर एग्जांपल इसको और आसान करने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आप एक प्लानर सर्च कर रहे हैं, नोटबुक सर्च कर रहे हैं अमेजोन पे, 2024 नोटबुक, तो आप जाके 2024 नोटबुक लिखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 2024 नोटबुक। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने अपने टाइटल के अंदर जब आप KDP पे जाके लिस्टिंग करेंगे अमेज़ॉन पे अपनी, यानी ई बुक लिस्ट करेंगे, लॉन्ग कंटेंट बुक आप लिस्ट करेंगे, तो आपको पता होगा कि आपने उस टाइटल के कीवर्ड के अंदर क्या रखना है, क्या नाम रखना है, जिसकी वजह से आपकी जो लिस्टिंग है वो रैंक करे गूगल के अंदर भी और अमेज़ॉन में भी। तो जैसे कि मैंने एक सैम्पल के तौर पे 2024 नोटबुक यहाँ पे लिखा है, मैं सर्च करता हूँ। अब जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ मुझे बहुत सारे कीवर्ड्स नज़र आ जाएंगे और मुझे पता चल जाएगा कि कौन से कीवर्ड ज़्यादा बेस्ट हैं। आप लोगों को एक मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे अमेज़ॉन मोस्ट ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं और हमारे लेफ्ट साइड पे हमारे पास आगे गूगल मोस्ट ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, ठीक है। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है। हमारे लेफ्ट साइड पे जो है वो है अमेज़ॉन मोस्ट ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, इसका मतलब है कि जो अमेज़ॉन पे लोग सर्च कर रहे हैं वो कीवर्ड, और राइट साइड पे वो कीवर्ड्स हैं जो गूगल ट्रेंडिंग सर्च के लिए यूज़ होते हैं। आप लोगों को जैसा पता होगा कि गूगल में आप लोगों ने कोई चीज़ लिखी, आप लोगों ने सर्च की, तो ये भी वही कीवर्ड हैं और हमें पता चल रहा है कि इसकी कितनी डिफ़िकल्टी है कीवर्ड की। अगर आप देखें, अगर आप एक चीज़ देखें कि ये जितने भी कीवर्ड यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, हमारे पास और भी ज़्यादा कीवर्ड्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इसे ले लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप लोग एक बड़े कीवर्ड में अगर जाएं और एक छोटे कीवर्ड में जाएं उसमें क्या फ़र्क होता है। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो कीवर्ड हमें पहले दिया हुआ है इसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। लाइक इसका जो JB कन्वेंशन नोटबुक 2024 विद प्रोग्राम, इसका सर्च वॉल्यूम जो है 39,000 है, ये बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स दैट कि हमारे पास ये पोटेंशियल है कि हम इसके रिलेटेड कोई एक नोटबुक लिखें और डेफिनेटली वो अमेज़ॉन पे रैंक हो जाए, एंड डेफिनेटली वो गेट स्टार्टिंग टू सेल अवर बुक, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं सब लोगों ने अपनी न्यू लो कंटेंट बुक लॉन्च की है, जैसे कि इसके अंदर जो कंपटीशन है बहुत कम है। तो इस तरह से आप लोग कीवर्ड टूल जो है बुक बोल्ट IO का इस्तेमाल करेंगे और अपने प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल देता चलूँ, अगर हम लोगों ने यहाँ से कोई भी कीवर्ड फाइंड कर लिया है तो अब हम अपनी बुक बनाने की तरफ जाते हैं। हम एक मिसाल ले लेते हैं, ये कीवर्ड है JW कन्वेंशन नोटबुक 2024 विद द प्रोग्राम, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस। 39,246 इस पर सर्च वॉल्यूम है। तो सिंपल मैं जाता हूँ यहाँ पे लेफ्ट साइड में रिसर्च पे क्लिक करता हूँ। रिसर्च पे क्लिक करने के बाद आई विल जस्ट क्लिक क्रिएट। क्रिएट का क्या मतलब है, क्रिएट का मतलब है कि आप अभी फॉरवर्ड जा रहे हैं अपनी लो कंटेंट बुक क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, पहला ऑप्शन है बुक बोल्ड स्टूडियो एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ बुक बोल्ड
कवर कन्वर्टर। हम इस सेकंड वाले को नहीं चूज़ करेंगे, हम पहले वाले को चूज़ करेंगे। हम बुक बोल्ड स्टूडियो पे जाके क्लिक करेंगे एंड आफ्टर वी क्लिक ऑन द फर्स्ट साइड हमें एक बहुत ही प्यारा लेआउट मिलेगा जिसको क्रिएट करते हुए हम लोग अपनी बुक का कवर डिज़ाइन करेंगे और फर्दर ऑन हम अपने लो कॉन्टेंट बुक की बुनियाद रखेंगे। जैसे कि मैंने ये बुक ली, अब हमारे पास यहाँ पे पूरी इसकी डिटेल्स मौजूद है, ये कितनी इसका साइज़ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स के अंदर। अगर इस बुक के नीचे मैं देखूँ कि व्हाट्स इन द नोटबुक, हमें सारा डिटेल्स मिल जाती है। इस बुक की कितनी साइज़ है, 6x9 इंच है और कितने पेजेस हैं इसके अंदर, तो हमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा यहाँ पे। अब प्रोजेक्ट का नेम सिंपल मैं दे देता हूँ, ठीक है, JW कन्वेंशन दे देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ माई फर्स्ट लो कॉम्पटिशन बुक, ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइस, ठीक है। अब हमारे पास आता है पेपर बैक कवर एंड इंटीरियर, पेपर बैक कवर, हार्ड कवर, तो हम सिंपल क्लिक करेंगे पेपर बैक कवर एंड इंटीरियर, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस हमारे पास हैं उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है अभी के तौर पे। हम यहाँ पे जाएंगे, ट्रिम साइज़ चूज़ करेंगे। देखिए ट्रिम साइज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसका साइज़ आपको मिल जाएगा मुझे 6x9 इंच, यही है जो ऑलरेडी आपको बुक बोल्ट ऑलरेडी आपके लिए सिलेक्ट करके रखता है। तो आप लोगों ने 6x9 यहाँ से ही चूज़ करना है, विच इज़ दिस वन, ठीक है। ये चूज़ करने के बाद आप इंटीरियर पेपर चूज़ करेंगे यहाँ से, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर विद द वाइट पेपर, आप लोग यही चूज़ करें बिकॉज यही ज़्यादा बेस्ट होता है। अब जैसे कि हम लोग इसी बुक पे काम करने जा रहे हैं तो हमारे पास जो पेजेस हमारे पास हैं वो आते हैं 122 पेजेस। आप चाहे जितने पेजेस भी रखें वो आपके ऊपर है, जैसे कि मैं 120 पेजेस का रख देता हूँ। अब यहाँ पे आता है ब्लीड और नो ब्लीड। आप लोगों ने नो ब्लीड को नहीं क्लिक करना बिकॉज जब भी बुक बोल्ट वाले आपके यानी बनाते हैं तो वो साथ में आपकी ब्लीडिंग भी देते हैं। ब्लीडिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो चार कोने देख रहे हैं इनके अंदर एक ब्लीड होती है, जब हम प्रिंट करते हैं कोई चीज़ को या किसी बुक को, किसी पेपर को, अगर उसमें ब्लीड लगी हो तो हमें ये पता चल जाता है कि उसको कहाँ से काटना है। जो प्रिंटर में प्रिंटिंग जो प्रिंटिंग प्रेस में लोगों ने काम किया उनको ये डेफिनेटली टर्म का पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो सिंपल ब्लीडिंग गूगल कर लें, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने यही ऑप्शन क्लिक करके लिखना है और हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे यहाँ पे आके क्लिक कर दें। तो जब हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे हमारे पास आगे पूरा ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे बुक डिज़ाइन के। यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप अपना कवर टेम्पलेट लिखेंगे, यहाँ पे वाइट एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फ़ोटोज़ वगैरह डालना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि आप लोगों ने कॉपीराइटेड फ़ोटोज़ नहीं डालनी, बिकॉज जब भी आप कॉपीराइट फ़ोटो डालेंगे तो आपको डेफिनेटली अमेजोन जो है आपकी KDP के लिस्टिंग में बहुत इशू करेगा एंड डेफिनेटली ही इज़ गोना रिमूव यू गाइस, ठीक है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आके फाइल लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। अब आपके पास यहाँ पे माई अपलोड्स में आप अपनी भी पिक्चर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन स्टिल आई एम गोना रिपीट दैट अगेन कि वो पिक्चर नॉन कॉपीराइट होनी चाहिए वरना अमेजोन आपके लिस्टिंग में प्रॉब्लम करेगा। सब और अनस्प्लैश वेबसाइट का जिसको नहीं पता, बेसिकली गाइस दे आर द वेबसाइट फ्री रॉयल्टी वेबसाइट जहाँ पे जाके आप अपनी इमेजेस वगैरह चूज़ कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि लैंडस्केप इमेज चूज़ कर लें ताकि आपको लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब जैसे कि हमें एक इमेज नज़र आई है ये वाली, हम यही इमेज चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इमेज। हम लोग यहाँ से इसे कॉपी करते हैं, ठीक है, इसे थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। इट्स लुकिंग वेरी गुड। आप ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे आपकी जो ब्लीड लगी है ये इसे कहते हैं ब्लीड, ठीक है। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये पूरा ऊपर तक पहुँचे, तब आपके पास ये आपका हेड बन गया, कवर पेज बन गया, और ये जो आपके लेफ्ट साइड है ये आपका पूरा प्रोसेस बन गया। तो यहाँ पे जाके आप इसे टेक्स्ट लिखेंगे। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जब भी आप लो कंटेंट बुक का ऐसे कोई पेज वगैरह बनाएं या उसका कवर डिज़ाइन करें तो आप लोगों ने उसका कवर के ऊपर जो कुछ लिखना है यानी टेक्स्ट वगैरह लिखना है वो आप लोगों ने पहले डिसाइड करके रखा होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो राइट पेज है ये आपका बुक का बैक पेज होता है, ठीक है, और ये जो लेफ्ट वाला होगा ये कवर होगा। तो ये जो मैंने कोशिश की है कि जल्दी में मैं एक कवर बनाऊँ अच्छा सा, लेकिन जल्दबाजी में अच्छा सा कवर बन गया डेफिनेटली। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग जब भी कोई कवर वगैरह बना रहे हो मेक श्योर करें कि आप प्रॉपर तरीके से बनाएं उसे, ठीक है। कोई इसमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम लें। अगर आते हैं कि कैनवा वगैरह यूज़ करें तो डेफिनेटली कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि JV कन्वेंशन नोटबुक, ठीक है, तो सिंपल हम उसे JV कन्वेंशन यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद सिंपली मैं यहाँ से जा कैसे करूँगा और करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे बहुत एडिटर है इसका, जो एडिटर है ये बहुत कह सकते हैं आप बहुत सिंपल एडिटर है, कोई इसके अंदर इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है जो आप लोगों को नहीं समझ आए, ठीक है। सिंपल चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसे लेके आया हूँ, लेके आने के बाद यहाँ पे मैंने इसे रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने टेक्स्ट लगा लिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं शेप्स वगैरह यहाँ पे डालूँ, ठीक है, तो शेप्स भी मैं डाल सकता हूँ, कोई इतना वो बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये किंग की किंग का जो होता है थ्रोन होता है क्राउन होता है उसकी मैंने एक फ़ोटो यहाँ पर लगाई है, उसका कलर मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ,
वाइट कलर चूज़ कर लिया। देखें काफ़ी इजी गो टू चीज़ है, तो आप लोग 2-3 मिनट के अंदर ही एक बहुत ही अच्छा कवर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कवर बना सकते हैं। तो मैंने इस सिंपल तरीके से बनाया कवर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब आपका कवर वगैरह रेडी हो जाए, ठीक है, कवर वगैरह आप लोग का रेडी हो जाए, तो ये आपको ऊपर नज़र आएगा लेफ़्ट साइड पर, ठीक है, लेफ़्ट साइड पर आपको नज़र आएगा। और जो सबसे पहला पेज आप उस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे कि आप लोगों ने कवर डिज़ाइन कर लिया, जब इसका आप कवर डिज़ाइन कर लेंगे बुक का, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड के अंदर आप लोग को ये बहुत सारे पेजेस नज़र आ जाएंगे जो हम लोगों ने सिलेक्ट किए थे शुरू में। तो जब आप लोगों को पेजेस नज़र आ जाएंगे, तो मैं पेज वन पर क्लिक करूँगा। अब पेज वन तो सारे खाली हैं, अब मैं आऊँगा यहाँ पर, ये लेफ़्ट साइड में यहाँ पे जो इमेज है इसके नीचे ऑप्शन है पेज टेम्पलेट का, पेज टेम्पलेट पे मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे मिल जाएंगे ऑप्शंस, और मैं आराम से यहाँ पे देख सकता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे अगर लगाना चाहते हैं ब्लैंक एंड रूल पेज लगाना चाहते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग गाइज, आप लोग को ये मिल रहा है, आप लोग आराम से यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। और आप लोग गो टू है, लाइक आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप इजीली जो आपकी लो कंटेंट बुक है उसके हिसाब से जो आपको पेज यहाँ पे सूट करता है आप डेफिनेटली लगा लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हम लोगों ने जो पेज बनाया, हम लोगों ने यहाँ पे बुक बनाई है, वो है बेसिकली एक प्लानर है, ठीक है, इट्स बेसिकली अ वेरी जर्नल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ ऊपर, जर्नल लिखता हूँ, या सिंपल मैं जर्नल लिख के एंटर कर देता हूँ। तो जर्नल के लिए यहाँ पे मेरे पास 3 वेरिएंट पेजेस आते हैं। अगर ये पेज मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह का कुछ मुझे मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ये वाइट जर्नल लगे, तो वाइट जर्नल क्लिक करके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऊपर मुझे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, डी सिलेक्ट का ऑप्शन है, तो मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, ठीक है, इसको डी सिलेक्ट कर देते हैं, बाकी सिलेक्ट ऑल करके हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इसकी जो लाइन कलर है, लाइन कलर डेफिनेटली आप लोगों ने ब्लैक रखना है, आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन मैं ब्लैक रख रहा हूँ यहाँ से। और मैं सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे सबमिट पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ ऐसा डिज़ाइन नज़र आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का कोई आप लोग को डिज़ाइन मिल जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि आप लोग का जो जर्नल है, जो भी जर्नल आप बनाना चाह रहे हैं, वो डेफिनेटली रेडी हो गया है। लेकिन आप लोगों ने इस पर थोड़ा बहुत काम करना है। जो पहला ज़्यादा काम होगा वो आपके कवर पे ही होगा। अगर आप लोग ये नहीं यूज़ करना चाहते तो साइज़ के हिसाब से यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है, तो आराम से आप फोटोशॉप में बना लें, ठीक है, या अगर आपको कैनवा पर बनाना है तो आप कैनवा पर बना लें। कोशिश करें कि ज़्यादा अच्छा से अच्छा हो, ताकि आप लोगों का जो चांसेस है लो कॉन्टेंट बुक सेल होने के वो ज़्यादा हों। तो जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हम लोगों ने एक सिंपल जर्नल रेडी कर लिया है। अगर जब आप लोगों ने ये रेडी कर लिया है, तो सिंपल आप डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों ने दोबारा गो थ्रू कर लेना है हर पेज से, जिस तरह से आपको डिज़ाइन करना है, कस्टमाइज़ करना है, आप लोगों ने अपनी लो कॉन्टेंट बुक कर लेनी है। आप लोग जब इसे डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड पे आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है। आप लोगों ने ये पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, विच इज़ करंट प्रोजेक्ट CMYK प्रिंटेड बुक्स। इस बेसिकली इट्स रिलेटेड टू द क्वालिटी, आपको बेस्ट बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। और आप लोगों ने ये पहले ही पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है आप लोगों ने, और ये पूरा प्रोसेस होके आप लोगों के पास ये पूरी फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके PC में। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी, आप अपने Amazon KDP पे जाएं, KDP पे जाने के बाद आप आराम से इसे लिस्टिंग करें, जो हम लोगों ने कीवर्ड्स फाइंड किए थे यहाँ पे वो कीवर्ड्स यूज़ करें, और मेक श्योर करें कि टाइटल में भी वही कीवर्ड्स हों, हर जगह वो कीवर्ड्स आप डालें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे लिस्टिंग करनी है आपने एक ई बुक की। गाइस, एज आई हैव शोन यू कि आप लोग लो कॉन्टेंट बुक किस तरह से बना सकते हैं, तो जो बुक बोल्ट है और KDP है, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। गाइस बिलीव मी, मैंने इस पे तकरीबन 2 बुक लिस्ट किए हैं, और मैं आप लोग को रिजल्ट्स बहुत जल्दी शो करूँगा अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर। लेकिन अगर आप लोग बुक बोल्ट की प्राइसिंग देखें तो इट्स अ वेरी रीजनेबल प्राइस गाइस। मेरी डिस्क्रिप्शन पे लिंक के अंदर कूपन कोड भी मौजूद है, जो कूपन कोड यूज़ करने पे आपको 20% बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलता है। तो आप यूज़ करके अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें, वो लिंक यूज़ करने से या कूपन कोड यूज़ करने से आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक डिस्काउंट मिलता है, जो स्पेशली उन्होंने मेरी ऑडियंस के लिए दिया है मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद गाइस। तो मेक श्योर करें कि अगर आप अपनी KDP पे किस्मत आजमाना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि डेफ़िनेटली आप लोग KDP पे जाएं और आपके पैसिवली इनकम बनना शुरू हो, तो डेफ़िनेटली आप लोग बुक बोर्ड की मेंबरशिप लाजम ज्वाइन करें। या गाइस, अगर आपको मैं इनके प्राइसिंग के बारे में बात करूँ, यहाँ पे एयरली प्राइसिंग भी है, विच इज़ एयरली $89। आप लोगों ने इसको नहीं लेना, और ना ही आप लोगों ने $19 वाली को लेना है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूँ, आप लोगों ने $9.99 वाली को लेना है। सिंपल यहाँ पे स्टार्ट योर फ्री डेज ट्रायल करना है, सिंपल ये क्लिक करके आप जब यहाँ पे जाएंगे तो सिंपल आप लोगों ने मेरा कूपन कोड यूज़ करना है। अगर आप लोग कूपन कोड नहीं यूज़ करते तो सिंपल मेरी लिंक से जाके क्लिक करके आप लोग इसकी मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।